जिला चंबा की 60 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंप्यूटरीकरण संबंधी कार्य का हुआ अनुमोदन। उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल की अध्यक्षता में पीएसीएस की हुई बैठक। हिमाचल में अलायंस एयर की उड़ाने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मौसम खराब रहने के कारण कंपनी ने लिया फैसला। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के कल्पा विकास खंड में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों व अन्य भवनों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। चंबा के नगर पंचायत चुवाड़ी में विकासात्मक कार्यों पर व्यय किए जाएंगे लगभग 2 करोड़ रुपए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चुवाड़ी में विकासात्मक कार्यों पर की समीक्षा बैठक। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4 लेन पर एडीसी ने फूड वैन का किया उद्घाटन। टाली पंचायत की 5 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। उप पुलिस अधीक्षक सोलन अनिल धोटा ने आज सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज कोटखाई उपमंडल के अंतर्गत नवनिर्मित विद्यालय भवन का किया लोकार्पण। लगभग 85 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है भवन। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। लोगों को नदी नालों के समीप न जाने की सलाह।